निकल रहे हैं, तो जल्दी है गाइस, अभी टाइम भी नहीं है ज़्यादा। इसको देख सकते हैं हीरो को। तो जैसे कि गाइस अभी हम लोग कुछ खाने के लिए ले लेंगे। क्या कहेगा किसे? देखते हैं क्या मिलती है ना। अच्छा तो जैसे कि गाइस हम यहाँ से कुछ सामान ले रहे हैं। ये दामबुक का जगह है और बहुत ज़्यादा सुंदर है यहाँ पे ना। तो अभी हम ये दीदी का दुकान से हम लोग सामान ले रहे हैं कुछ, अभी लेके यहाँ से निकलेंगे। तो जैसे कि गाइस ये दामबुक है, बहुत ही सुंदर जगह है ना, और आपको यहाँ पे आके ऐसा लगेगा कि आप कौन सी दुनिया में आए होंगे। और आप इधर का नज़ारा देखो। तो जैसे कि गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का, और मौसम भी काफ़ी साफ है और खुला हुआ है, तो आप इधर का नज़ारा भी देख सकते हैं। और मेरे साथ किशन है, और हम लोग ये दीदी का दुकान से कुछ कुछ सामान ले लिया। आप यहाँ पे आके ले सकते हैं सामान लोग, और होटल का नाम है होटल सीन से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो जैसे कि गैस अभी हम लोग दामबुक पे है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर नज़ारा है। अभी सुंदर सुंदर पहाड़ है, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतना बड़ा पहाड़ है। तो ये एक पहाड़ी है, तो बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे देखने के लिए। और यहाँ का घर लोग और भी ज़्यादा सुंदर है, और यहाँ पे ऑरेंज ट्री है छोटा छोटा करके, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा अभी। वाह, तो यहाँ पे है ऑरेंज ट्री मेरे पीछे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑरेंज होता है ना, इसके वही है ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं यार देख के। तो आगे अभी हम जाएंगे, आपको और अच्छा अच्छा सीनरी दिखाएंगे यहाँ का। आप लोग कभी रोएंगे आओगे तो दामबुक हो गया जरूर आना पासीघाट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा मिलेगा यहाँ पे। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और जब आप बाइक में आओगे तो और बढ़िया लगेगा, क्योंकि आपको एक एडवेंचर लगेगा बाइक में आने से। तो बाद में जब मैं आऊँगा तो बाइक में आऊँगा एक बार आऊँगा, तो देखते हैं। अभी तो गाड़ी में जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी में भी, और ड्राइविंग राज कर रहा है क्योंकि हम लोग आता नहीं है बोलो क्योंकि हम लोग आता नहीं है। और गाइस यहाँ पे शायद बारिश भी आएगा होगा, क्योंकि मौसम बहुत काला दिखाई दे रहा है हमको आसमान जो, तो बारिश भी आ सकता है। अगर बारिश आया तो थोड़ा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। अभी लगभग 50 किलोमीटर और है पासीघाट पहुँचने के लिए, तो और किशन का चक्कर लग रहा होता है, और इसको उल्टी भी लग रहा होता है, लगता है इसका तबीयत ज़्यादा खराब हो रहा है। तो जैसे कि गाइस अभी हम सियांग नदी पार होके आ चुके हैं, अभी पासीघाट पहुंचने के लिए लगभग थोड़ा होगा 5 किलो या 6 किलोमीटर ही होता होगा। तो जैसे कि गाइस यहाँ पे पुलिस मिलेगा, तो हमें मास्क लगाना होगा, अगर यहाँ पे नहीं लगाया तो पता नहीं कितना फाइन है। रोइंग में तो 500 है, यहाँ पे 1000 भी हो सकते हैं, तो इसका वजह से पहले मास्क लगा लेना चाहिए, कोई झंझट में नहीं पड़ना है हमें। तो जैसे कि गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से दूसरे होटल की तरफ, मेन बाजार मार्केट अभी हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो जमा नहीं है कुछ, तो उधर जाके देखते हैं अभी हम लोग। और हम लोग का होटल पीछे है, गाड़ी का हम लोग यहाँ पे पार्क कर दिया, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो जैसे कि गैस पासीघाट में काफ़ी शांति है, हाँ बहुत शांति, हम सोचा नहीं था इतना शांति होगा बोल के। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज मार्केट बंद होता होगा, इसका जैसे यहाँ पे पूरा सुनसान है। तो चेक करते हैं हम लोग असली रूम, बहुत गर्म लग रहा है यहाँ पे, तो आके तो पकड़ो मैं खुलता हूँ रूम को। तो अभी रूम खुल चुका है, ये व्यू भी काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं। नहीं ये ठीक है, यहाँ टीवी अभी उसको बोलेगा वो रिचार्ज करके लाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पंखा है यहाँ पे एक, ठीक है एक टेबल है, ठीक है यहाँ पे रख देता हूँ मैं इसको। उसके बाद नहाने के लिए एक साबुन है छोटा सा प्यारा सा, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे एक टॉवल है, उसके एक कंबल है छोटा सा, उसका तकिया है, और ये बेडशीट है, और बेडशीट लगा दिया यहाँ पे ना। और आपको यहाँ का आप व्यू देख सकते हैं, ओ मुझे डर लग रहा है नीचे देख के। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ से व्यू कितना अच्छा आ रहा है, यहाँ से नीचे का व्यू जो है पासीघाट का। अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ बाथरूम का। तो बाथरूम आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पानी आ रहा है काफ़ी अच्छी तरह से, और एक आईना है, तो ये भी अच्छा है, कोई गंदगी नहीं है इसमें ना, काफ़ी साफ है रूम भी। किशन तुमको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। तो अभी हम यहाँ से एक घंटा रेस्ट करेंगे, उसका निकलेंगे गैस। तो जैसे कि गैस अभी हम नेपाल होटल आए हैं, तो यहाँ पे हम खाएंगे। तो जैसे कि गैस अभी हम होटल आ चुके हैं, उसके बाद अभी हम यहाँ से
खाना खाएंगे, बहुत खराब से भूख लग रही है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो सिर्फ पानी और थोड़ा चिप्स लोग खा के आया था। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। जैसे कि गाइस अभी हम जा रहे हैं सियांग रिवर की तरफ, तो अभी हम लोग रेडी हो गए, राज किशन और मैं, तो जा रहे हैं अभी सियांग रिवर की तरफ, तो चलते हैं गाइस वहाँ पे। तो जैसे कि गाइस अभी तो हम लोग जैसे लोकेशन में पहुँच चुके हैं, यहाँ से आपको दिखाऊंगा मैं पासीघाट का व्यू, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है देख के, पासीघाट की रिवर को दिखाने के लिए आपको, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो जैसे कि अभी हम लोग तीनों आए हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखिए कितना फ्रेश लग रहा है यहाँ पे हम तीनों को देख के, और DSLR भी हम लोग के पास, फोटो वोटो खींचेंगे, ऐसा सुंदर लग रहा है वहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, सबसे बेस्ट कोई भी आता है पासीघाट में तो यहाँ पे जरूर फोटो खिंचाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा विंग्स है, यहाँ पे लिखा अरुणाचल गिव यू विंग्स, यहाँ पे जो भी फोटो खींचाता है उसका पर निकल जाता है। तो देखिएगा एक दो फोटो खींचा कैसा है, फोटो बबल आया और माँ का संबोध अच्छा है, आप देख सकते हैं छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, इसको गोल लगना जरूरी है, बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, अच्छा लगता है यहाँ पे देखने के लिए। और आपका रिवर के बारे में तो क्या बताऊँ, बहुत ही बढ़िया लगता है पासीघाट का, यहाँ पे आई लव पासीघाट लिखा होता तो इसको हटा दिया था, हटा के शायद कुछ बनाएंगे होंगे यहाँ पे अच्छी तरह से, तो इसको हटा दिया अभी। तो आप देख सकते हैं सियांग में देखो काफ़ी गंदा है अभी पानी ना, शायद बारिश आ रहा था होगा पहाड़ में, इसका वजह से ये काफ़ी गंदा आ रहा है पानी से, और आप तो ये देख सकते हैं कितना सुंदर है। तो जैसे कि गाइस अभी हम दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं, यहाँ में आई लव पासीघाट निकाल दिया है लोग, और यहाँ पे रखा हुआ है पासीघाट का सामान, तो इसलिए सोचा था इधर भी एक दो फोटो खींचेंगे आप आई लव पासीघाट में लिखा हुआ लंबे, लेकिन ये निकाल दिया है इसलिए मज़ा नहीं लग रहा देख के। तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे लोकेशन में जाके आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम पोंगिंग जाएंगे, यहाँ पे मैंने भैया से पूछा था, तो यहाँ से हमें आगे जाना होगा ब्रिज से आगे, तो वहाँ पे पोंगिंग है, सुनो पोंगिंग जाता है ठीक है, पोंगिंग की तो पोंगिंग आगे ज़्यादा नहीं है, 25 किलोमीटर आगे है कि 15 किलोमीटर आगे, तो यहाँ से आगे जाके राइट टर्न लेना होगा, तो हमें पोंगिंग मिलेगा। तो जैसे कि गाइस अभी हम लोग पोंगिंग ब्रिज पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर बाकी है, तो अभी हम लोग ने एक अंकल को पूछा था, अंकल ने बोला कि 4 किलोमीटर जाना भाई भाई तो मिल जाएगा, तो अभी मैं दौड़ के आया था, इसका जैसे सांस फूला हुआ है, तो ये काफ़ी एक्साइटेड है और इसका चक्कर भी लग रहा है से। तो जैसे कि गाइस मैंने जिसका बात बताया था पोंगिंग के बारे में बताया था, तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, तो पोंगिंग का बहुत ही अच्छा सुंदर लगता है यहाँ पे देखने के लिए, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ का व्यू कैसा है, ठीक है आप लोग देखेंगे तो पूरा चौंक जाओगे। बहुत ही ज्यादा है, काफी ज्यादा सुंदर है, आप देख सकते हैं यहाँ से पोंगिंग का व्यू, और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं माउंटेन, इसका ऊपर में जाके आप अच्छी तरह से और अच्छी तरह से आप व्यू देख सकते हैं, और यहाँ पे एक हैंगिंग ब्रिज भी था, मिलता टाइम मिलता है उनसे वहाँ पे भी जाएंगे, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर नज़ारा है, ऐसा नज़ारा कभी बार बार देखने को नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यहाँ का नज़ारा, और आप देख सकते हैं वहाँ पे बस्ती होगा, वो बस्ती को आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही सुंदर है। तो अभी हम यहाँ थोड़ा फोटो खींचेंगे उसके बाद, और उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे क्योंकि 3 बजे तक लॉकडाउन हो ही जाता है, तो उसके बाद हमें जाना होगा। देख सकते हैं ये पोंगिंग का सबसे बड़ा वाला व्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जाना होगा हमें, तो बहुत ही सुंदर लगता है, डर ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं कुछ नहीं, ओए मेरा तरफ पत्थर आ रहा है, वाह आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर जाना होगा हमें, चप्पल खोल देगा यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है, तो जैसे कि रुको कहाँ से फोटो खींचेंगे हमें गिरने वाला, हम हाँ हटो हटो हटो। तो जैसे कि गाइस हम रेंगते हुए ऊपर जा रहे हैं, बढ़िया ना यही से उठता ना भाई, है ना रास्ता भाई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा भाई को, क्यूट क्यूट भाई है, आपका नाम क्या है भाई? घूम पा रहा हूँ यहाँ पे, और आपका नाम? राहुल पाने। राहुल पाने आप लोग यहाँ पे व्यू देख रहे हो ना,
बहुत अच्छा व्यू है ना यहाँ का, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, ये एक बड़ा सा पत्थर है, बहुत ही सुंदर है और ये काफ़ी ऊंचाई। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारा है। खास करके पोंगिंग जरूर आना, बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ का व्यू देखने के लिए। हैंगिंग ब्रिज भी था लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, होगा सर टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ का आप व्यू देख सकते हैं, यहाँ का देखिए कितना सुंदर है। तो हम लोग यही व्यू दिखाने के लिए आए थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो अभी हम लोग निकलेंगे, अभी हम लोग निकलेंगे और किशन यहाँ पे है, आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे तो काफ़ी डर ही लग रहा है देख के, ये भाई लोग देखिए कितना खराब से बैठा हुआ है, बहुत ही खतरनाक है ये लोग। हाँ तो ठीक है, हम लोग निकलेंगे ना भाई, ठीक है। तो जैसे कि गाइस अभी हम यहाँ से उतरेंगे, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है, और जब आप आओगे तो चप्पल के साथ में जूता भी रखना। बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया, तो अभी पाँव में काफ़ी लग रहा है। और गाइस चप्पल भी टूट गया मेरा यहाँ से, जो मैंने वहाँ से फेंका है। बहुत ही अच्छा व्यू लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग कभी पासीघाट आओगे तो पोंगिंग भी बार ज़रूर आना, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ से देखने के लिए। व्यू तो माँ कसम बहुत ही बढ़िया है, पाव तो पूरा गर गया, ऐसा लग रहा है कि पूरा गर्म हो गया। तो जैसे कि गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो अच्छा लगा पोंगिंग, बहुत ही अच्छा लगा। बाद में मैं फिर से आऊँगा एक बार पोंगिंग की तरफ। पाव पूरा दर्द दे रहा है क्योंकि बहुत ही ऊपर था और मैं तो चप्पल खोल के उठ गया, इसका वजह से पाव में पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा खिली घुसाया जैसा लग रहा है। तो अभी डायरेक्ट होटल जाएंगे हम। तो जैसे कि गाइस अभी हम होटल आ चुके हैं, बहुत घुमा हम लोगों ने और पाव भी बहुत दर्द कर रहे, क्योंकि हम जब हम पोंगिंग गए थे तो वहाँ पे पोंगिंग का व्यू बहुत ही अच्छा था वहाँ का ना, और आपका एक व्यू पॉइंट है पोंगिंग में, बड़ा सा पत्थर है, तो हम उसके ऊपर उठे थे तो पाव पूरा दर्द कर रहा और बहुत ही खतरनाक था वो ना। अगर आप लोग जूते पहन के नहीं जाओगे तो बहुत ही चोट लगेगा पाँव में। मैं चप्पल लगा के गया था और मैं खाली पैर उठा तो मुझे काफ़ी लगा पाँव में, लेकिन बहुत अच्छा व्यू आया, बहुत ही सुंदर आया और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। जो भी मतलब पासीघाट ऐसा है कि बहुत आप यहाँ पे घूम सकते हैं। मैंने डिसाइड किया कि कल और एक्सप्लोर करूँगा पासीघाट को, मुझे पता नहीं कैसा होने वाला है मेरा ब्लॉग। तो गाइस मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा होगा। मेरे चैनल पर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और ये मेरा आज का फर्स्ट सीरीज होगा ये पासीघाट का, सेकेंड सीरीज मैं कल लेके आऊँगा। तो आज का मेरा इतना ही ब्लॉग था यहाँ के लिए।